यहाँ न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है कि टू टग बोट्स, दो टग बोट हैं, एक बोट्स हैं, आर टोइंग अ शिप, वो शिप को खींच रहे हैं, एग्जर्ट ईच एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन। ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक बोट है और ये दो टग बोट है, ये खींच रहे हैं इस वाली टग बोट को और ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं 6,000 न्यूटन की। पहले वाली की फोर्स F1 कहलाई जाएगी, दूसरी वाली की फोर्स F2 कहलाई जाएगी। बिटवीन टू रोप्स, और उन दो रोप्स के दरमियान जो एंगल बन रही है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ जो आप एंगल देख रहे हैं वो 60 डिग्री है। इस तरीके से आपके पास ये सब चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। अगर आपके पास F1 6,000 न्यूटन हो और F2 भी 6,000 न्यूटन हो, तो आप बयान करें कि F क्या होगी जब आपके पास थेटा जो है वो 60 डिग्री हो। तो अब यहाँ हम जो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसी वजह से हमारे पास कुछ स्क्वायर आ जाता है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, F इज इक्वल टू अंडर रेटिकल F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। F1 की जगह हमने F1 के वैल्यूज लगाने, जो कि हमारे पास 6,000 न्यूटन है, और उनको हमने कर दिया स्क्वायर। इसी तरीके से F2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वहाँ भी हमारे पास जो है वो 6,000 स्क्वायर प्लस में 2, हमने वो फार्मूले वाला सेम लिखा, उसके साथ F1 है तो हमने लिख दिया 6,000, F2 है इसके साथ तो हमने यहाँ भी 6,000 लिख दिया, इनटू में हमारे पास है कॉस थेटा। तो बजाय कि हम थेटा लिखें, अब हम थेटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। अगर हमने अभी 60 डिग्री लिख दिया है यहाँ, तो हमारे पास अब इन सारे वैल्यूज़ को हमने करना है मल्टीप्लाई स्टेप बाई स्टेप। अगर हम इस वैल्यू को अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलता है, वो जो वैल्यू है 6,000 स्क्वायर का, वो हमें वैल्यू आ रहा है 36, और उसके साथ हमने 3 जीरो दे दी, और प्लस में इसका जो वैल्यू है हमारे पास वो अगेन 36, स्क्वायर करने के बाद 6 जीरो हमने और दिए, 3 जीरो ये, 3 जीरो ये, प्लस में इनको हमने जब मल्टीप्लाई किया 2, और ये भी दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी हमें सेम वैल्यू देंगे 36, 3 जीरोस एंड 3 जीरोस। इन द सेम वे जब हम cos 60 का वैल्यू निकालते हैं, तो हम cos 60 का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि cos 60 का वैल्यू हमारे पास क्या आता है। कि यहाँ हमने क्या किया कि 60 जो है वैल्यू लिखा है, और 60 का जो वैल्यू हमने निकाला है वो cos, तो cos 60 का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। तो अब हमने इस cos 60 की जगह लिख दिया यहाँ 0.5। अब हमने अकॉर्डिंग टू डिमास रूल पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है, और साथ साथ में इन दो को ऐड करना है, फिर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमने फिर बाद में ऐड करना होगा। अब 36,000 और 36 ये, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो 72, 30 और 30 और, प्लस में 2 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो भी सेम आंसर आएगा 72, ये इस हिसाब से, और इसके साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को। अगर हम इसके साथ 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये करके देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 7230 ये और 302 और, उनके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है 0.5 को, 0.5 को, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है 36 और उसके साथ साथ 0 0 है, ठीक है। तो अब हमने देख दिया 36 और 30, अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो जवाब आ रहा है हमारे पास 36 और 30 और 30 और, अब हमने इसको प्लस करना है 72 ये 30 और ये 30 आपस में। अब इसके बाद इन सब को अब हमने प्लस करना है, अब प्लस करने के बाद अब हम देखेंगे कि वैल्यू हमारा क्या आता है, इसके साथ हमें ऐड करना है 30 और 30 और, हमें
हुआ है, पहले पहले मिला 108 और 000। तो ये जो वैल्यू हमारे पास 108, ये 000 और ये अगेन 000। अब हमने इस सारे वैल्यू का निकालना है अंडर रेडिकल। तो अंडर रेडिकल किस तरह से हम लेते हैं, इस सारे वैल्यू का अंडर रेडिकल लेने के लिए हम यहाँ लगाएंगे जस्ट अंडर रेडिकल। हमें जो वैल्यू मिला वो 10392.3 मिला। तो अंडर रेडिकल जो वैल्यू मिला हमें 10392 मिला। तो 10392, अब ये जो है रिजल्टेंट फोर्स है और इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर दिया।